नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया देश में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर। बात करेंगे दोस्तों कैसी परिस्थिति आज मंडियों में चल रही है, कहाँ उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्या रेट मंडियों में आलू की बिक्री हो रही है। दोस्तों एक सबसे सुंदर और बढ़िया बात दोस्तों सभी किसान भाइयों के लिए कि दिल्ली आजादपुर मंडी में सुधार आ गया है। आढ़तियों को भी लगने लगा कि आमदनी अगर हम सुधार नहीं करेंगे मंडी में, आलू की बिक्री अगर ढंग से नहीं करेंगे तो मंडी में अराइवल ना के बराबर हो जाएगी। एक कंडीशन दोस्तों दिल्ली आजादपुर में ये बन गई थी कि 60-70 गाड़ी ही मात्र बिक्री हो रही थी दिल्ली आजादपुर की मंडी में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मात्र 60 से लेकर 70 गाड़ी की ही बिक्री हो रही थी। आज स्थिति ये है कि जो रेट चल रहे हैं इस समय दिल्ली आजादपुर की मंडी में, वो कम से कम 100-100 रुपए से लेके 200-200 रुपए की दोस्तों तेजी देखी जा रही है मंडी में। ये स्थिति चल रही है। तो इस समय दोस्तों सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया का योग है और सोशल मीडिया से कंडीशन ये हो रही है दोस्तों कि अगर सोशल मीडिया पर कोई मुद्दा उठाया जाता है तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मार्केट में। बहुत सी मंडी ऐसी है दोस्तों जिनमें तेजी नहीं थी और उन मंडियों के बारे में बात करके, उन मंडियों के बारे में डेली चर्चा करके एक ऐसा मैसेज गया मार्केट में कि किसानों ने और व्यापारियों ने लोडिंग ना के बराबर कर दी। उसके बाद जब उनको 100-100 रुपए 150-150 रुपए की जब तेजी मंडी में दिखाई दी, उसके बाद दोबारा सुचारू रूप से अराइवल हुई। दिल्ली आजादपुर मंडी कंडीशन ये हो गई थी कि 60-70-75 गाड़ी, मतलब रिकॉर्ड कम आमदनी, रिकॉर्ड बना दिया था कम आमदनी का। चार तीन साल से तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 साल में सबसे कम आमदनी मैंने इस बार देखी दिल्ली आजादपुर की मंडी में। आढ़तियों ने अपने आलू लोड करा कर कोल्ड स्टोरों में से मंगाए जो उन्होंने खरीद के रखा था। मंडी की साख बचाने के लिए और बिक्री करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, और कई सवाल किसान भाइयों के लिए, आलू राजा ने दिखाई अपनी अहमियत। बिल्कुल सही बात है, आलू राजा है दोस्तों। आलू राजा की तो कदर अब तक थी नहीं। आलू एक तो सब्जियों का राजा बोला जाता है, उसके बाद भी हर बार हर साल करीब लगभग 3 साल से किसान पिट रहे थे बुरी तरह, किस निचले स्तर पे आलू की बिक्री हो रही थी। इस साल आलू राजा ने अपनी अहमियत दिखाई है और दोस्तों इस बार आलू के रेट किसानों को लगातार ढाई से लेकर तीन महीना हो गया और 3 महीने से लगातार किसान भाइयों को रेट आलू के भरपूर मिल रहे। खेतों पे आलू बहुत बढ़िया रेट बिका और कोल्ड स्टोरों में आलू बहुत बढ़िया रेट बिक रहा है। और दोस्तों आज की रेट में आलू 1450 रुपए, 1450 रुपए, 1350 रुपए, 1100 रुपए, 1150, 1200 रुपए खूब आलू की धड़ाधड़ बिक्री हो रही है। जिस रेट मोटा आलू बिक रहा था उस रेट दोस्तों गुल्ला आलू बिक रहा है। अब इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो आलू नहीं बिक्री कर रहे, जो आलू नहीं बेच पाते हैं। तो कुछ भी हो दोस्तों आगे चल के भविष्य की किसी को कुछ नहीं मालूम है। कोई अगर ऊंच नीच होती है तो वो किसी पे सवाल नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि लंबा समय 2 से लेकर 3 महीने तक आलू के रेट बरकरार चलते चले आ रहे। लगभग 40% सीजन तो निकल सा ही गया। आप बताओ मुझे, अरे एक बार बताओ, आप मार्च में खुदाई, अप्रैल मान लो, अप्रैल हो गया, अप्रैल में लगभग अप्रैल के लास्ट मिडिल में तो कोल्ड स्टोर खुली गए थे। अप्रैल मई जून भी लगभग समाप्ति की तरफ है, जुलाई आ गया, ठीक है। तो मौके तो दोस्तों भरपूर मिले हैं। अब इन मौकों का बहुत से लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। बहुत से लोगों ने क्या किया कि टोटल आलू किसी पर 20,000 कट्टे, किसी पर 10,000 कट्टे रखे हुए, 15,000 कट्टे रखे हुए, वो दाना नहीं बेचते हैं दोस्तों। वो लोग सारा आलू अपना रख के बैठे रहते हैं, वो लेते हैं लंबा रिस्क। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आलू सस्ता होगा आगे, पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ के बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों वो दाना नहीं बेचते हैं। बहुत लोग हमने 2020 में ऐसे देखे थे जिन्होंने अपना आलू 1800 रुपए, 1900 रुपए कट्टे में नहीं बेचा था, फिर बाद में 500 रुपए कट्टे में बेचा था। आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे आलू बेचने की किसान भाइयों से इसलिए निवेदन किया जाता है कि आप हर तरह के रेट लेते रहेंगे तो एक एवरेज बहुत अच्छा बन जाता है। जब रेट बढ़िया मिल रहे हैं, जब रेट मनमाफिक मिल रहे हैं, तो आलू की बिक्री थोड़ी थोड़ी करते रहने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ सारा आलू बेचना चाहिए, घबरा कर बेचना चाहिए, ऐसा नहीं है। वैसे भी इस बार किसान भाइयों ने समझदारी दिखाई है। क्या समझदारी दिखाई है कि उन्होंने मंडी अपने हिसाब से आलू की बिक्री करी है, मंडियों को जैसे आलू की जरूरत है उसी हिसाब से आलू की पूर्ति कर रहे हैं, चाहे किसान हो चाहे खरीदार व्यापारी लोग हो। व्यापारी भी दोस्तों आलू कर अब ऐसे ही नहीं उल्टा सीधा, किसान पहले तो किसान ही नहीं सस्ता आलू बेच रहे। किसान सस्ता आलू इसलिए नहीं बेच रहे क्योंकि उनकी मजबूरी, उनकी इतनी बड़ी मजबूरी है, क्योंकि अगर इस साल भी अगर वो सस्ता आलू लागत मूल्य के में ही आलू बेच देंगे तो इस साल उनके परिवार के खर्च के लिए, भरण पोषण के लिए व्यवस्था नहीं बनेगी। तो आलू राजा इसलिए दोस्तों इस साल अव्वल है। और हर हरी सब्जी की बात करें दोस्तों तो आप जो समझ लो कि आलू, अगर आलू की सब्जी ऐसी सब्जी है कि एक किलो आलू की अगर सब्जी बन जाती है तो अगर पतली भी बना लेगा आदमी तो कई लोग खा लेंगे उसको, ठीक है। घर पे बन जाएगी पतली, अगर बना लेंगी घर की गृहिणी जो बनाती है सब्जियां या कहीं पे
मतलब होटल में या कहीं भी, तो मतलब अगर रसा रसा से भी आलू के से आप रोटी खा सकते हो, खाना खा सकते हो। अब पता चला कि आपने भिंडी ले ली बाजार से या तोरई ले ली या लौकी ले ली, तो लौकी एक किलो पटक के थोड़ी सी हो जाएगी, भिंडी का पता नहीं चलेगा थोड़ी सी हो जाएगी, कितने लोग खा सकते हैं। तो कम से कम आलू ऐसी चीज तो है कि सस्ता भी पड़ रहा है खाने में बनाने में, ठीक है, और आलू राजा की अपने की इज्जत भी बरकरार चल रही है। तो मुद्दे की बात दोस्तों ये है कि बढ़िया रेट मिल रहा है किसानों को। बारिश के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि आप बारिश के बाद जो भरपूर भयंकर बारिश हो जाएगी दोस्तों, तो उसके बाद क्या आलू में बड़ा धमाका होने वाला है, बड़ी तेजी आने वाली है क्या? तो दोस्तों ये एक सबसे अच्छा संकेत है, बारिश में कुछ ना कुछ हमेशा आप उठा के देख लेना, आलू में कुछ ना कुछ पैसे ऐड होते हैं ना कि कम होते हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि जब भरपूर बारिश हो जाएगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, तो रेट में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी अभी और देखने को मिल सकती है, मिल सकती है, ठीक है, मिलेगी और मिल सकती में अंतर है। 2024 में दोस्तों किसानों ने समझदारी दिखाई है, उसका जीता जागता परिणाम यह है कि निकासी बहुत बढ़िया चल रही है, ठीक है, आलू की बिक्री खूब बढ़िया हो रही है। दो चार दिन से थोड़ी बिक्री आलू की कम हुई है, किसानों ने कोल्ड स्टोरों पर जाना थोड़ा कम किया है। कारण उसका एक सबसे बड़ा ये है कि किसी की मक्का कट रही है, बारिश के डर से किसान अपने खेतों में भरपूर लगे हुए हैं। पहले लोग मजदूरों पर कटवा रहे थे, अब मशीनें लगा दी हैं लोगों ने, हार्वेस्टर कंबाइन मशीन से कटवा रहे हैं मक्का और बाजरा। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब कंडीशन है। लोग कहते हैं कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने अभी एक न्यूज़पेपर आता है आलू का, उसमें पढ़ के देखा कि उसमें कहा कि कोल्ड स्टोर के बरामदों में से किसान गायब। तो इस अब ऐसे लोगों से ये पूछा जाए कि बाजरा और मक्का अपना क्या बारिश में भिगा लें किसान, तो उस किसान को समझ में आता है कि अब उसको कब आलू की बिक्री करनी है। देखो थोड़ा आलू बिक्री जब रेट बढ़िया होते हैं तो थोड़ा आलू बिक्री करके ही दोस्तों किसान का काम चल जाता है, इसलिए लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा आलू बिक्री कर लिया है और अपने काम चला रहे हैं, आने जो फसलें लगी हुई हैं उनकी व्यवस्था बना रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं मंडी के रेट के ऊपर। मैं तो ये कह रहा हूँ दिल्ली आजादपुर में सुधार हो गया, 100-150 रुपए का सुधार हुआ है और होता रहेगा आगे धीरे धीरे चल के दोस्तों। तो खूब दिल्ली आजादपुर 2 महीने खूब स्टैंड लिया हमने, मंडी की एक्चुअल स्थिति से व्यापारियों को किसानों को वाकिफ किया, किसानों को बहुत लंबे लंबे नुकसान होने से बचाया हमने, ठीक है, और आढ़तियों को जेबें भरने से बचाया जो अनावश्यक जेबें भरी जाती हैं, खूब कमाओ। और यूट्यूब चैनल वालों ने दोस्तों, दिल्ली आजादपुर वालों ने, यूट्यूब चैनल वालों ने भी अपनी जो उनकी करनी थी उससे भी किसानों को हमने वाकिफ कराया, ये हमारा काम है दोस्तों। बात कर लेते हैं चेन्नई मंडी से, सबसे पहले भाव की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों आज दिल्ली आजादपुर मंडी से, तो आज 110 गाड़ी की आमदनी है। भाव लगभग दोस्तों कल वाले ही चल रहे हैं सेम, ठीक है, 37-97 वीआईपी बिक रहा है आपका 1200-1250 रुपए तक, हल्की क्वालिटी का 1100-1150 रुपए, चंदौसी का सूर्या बिक रहा है 1400 से लेकर 1550 रुपए तक, हल्की क्वालिटी का 1200-1300 रुपए, और चिपसौना बिक रहे हैं दोस्तों वीवीआईपी आपके 1300-1350 रुपए, और आगरा अलीगढ़ के 1100 से लेकर 1250 रुपए तक, 1300-1350। मुंबई मंडी वीआई आज दोस्तों 50 रुपए की तेजी मुंबई मंडी में देखी गई है, वीआईपी आलू आज 28-29 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी के ज्यादातर आलू 24-26-27-28 रुपए किलो तक, हाइब्रिड 22-24, लाल जाली वाले 26-27-28, हाइब्रिड पंजाब का 22-23 रुपए, एमपी का ज्योति 26-27-28-29 रुपए तक, ठीक है। और आज दोस्तों बात की जाए तो मुंबई मंडी में 30-35 गाड़ी की आमदनी है। बात कर लेते हैं जोधपुर की, तो जोधपुर में आज 10 गाड़ी की आमदनी है, जोधपुर में वीआईपी आलू 25-26 बिके हैं, हल्की क्वालिटी के 22-23। बात करें जयपुर की, तो जयपुर में आज 55 गाड़ी की आमदनी है, वीआईपी आलू एक्स्ट्रा सुपर आज 24-25, हल्की क्वालिटी के 22-23 रुपए। बात करते हैं दोस्तों हॉलैंड आलू की, तो वीआईपी हॉलैंड आलू आपके जयपुर मंडी में 25-26-27 रुपए, हल्की क्वालिटी का 24-25 रुपए। लखनऊ मंडी वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर चिपसौना 25-26, हल्की क्वालिटी का 23-24, एक्स्ट्रा सुपर 37-23, हल्की क्वालिटी का 20-21 रुपए। बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर में एक्स्ट्रा सुपर गुल्ला आज 20-22 रुपए 23 रुपए किलो बिक रहा है, हल्की क्वालिटी का 20-21 रुपए। आज दोस्तों जाम लगा हुआ था कानपुर मंडी में बिक्री के टाइम पे भयंकर वाला, तो आज भी रेट मैं बता रहा हूँ, रेट तो लगभग कल वाले ही चल रहे हैं और हो सकता है कुछ रेट प्लस भी हुए हो, पर दोस्तों जाम की वजह से बहुत से आड़ती नहीं पहुंच पाए, बहुत सी गाड़ियां पैकारी नहीं पहुंच पाई। मोटा आलू एक्स्ट्रा सुपर 21-23, हॉलैंड 22-24 रुपए किलो, और चिपसौना 23-25 रुपए किलो बिक रहा है कानपुर में, लगभग 50 गाड़ी की आमदनी है दोस्तों कानपुर मंडी में। बात करते हैं जोराहट की, नॉर्थ ईस्ट की एक्स्ट्रा सुपर 30-31, हल्की क्वालिटी का 29-30। गुवाहाटी मंडी में लगभग 5 गाड़ी की आमदनी है, आगरा का आलू वीआईपी 30-31 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 29-30, फरुखाबाद का 29-30, हल्की क्वालिटी का 27-28। पूना मंडी 25 गाड़ी की आमदनी, वीआईपी आलू आज बिके 28-29, हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं दोस्तों 25-26, और दागी दूगी चेचक वेचक के 21-22।
हैदराबाद मंडी वीआईपी आलू 33 से 34 रुपए 302, हल्की क्वालिटी का 31 से 32, एक्स्ट्रा सुपर आलू 37-97, 32 से 33 और हल्का 30 से 31। तेलंगाना महबूब नगर मंडी की आज बात करें दोस्तों तो 1 रुपए डाउन है, एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं आपके 33 से 34, हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं 32 से 33 रुपए। बेटोपालम मंडी में गुजरात का आलू बिक रहा है आपका 36 से 37, हल्की क्वालिटी का 33 से 34। आगरा का आलू बिक रहा है दोस्तों 33 से 34 रुपए किलो, 34.5 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी का 32 से लेकर 33 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी दोस्तों, बेंगलोर मंडी में वीआईपी आलू 29 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 27 से 28 रुपए। ये मंडी के थोक भाव दोस्तों मैं बताता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर दूं, और लगभग बेंगलोर में आज आपकी 15,000 बोरी की आमदनी है, ठीक है 30 गाड़ी मान लो। मधुरी मंडी वीआईपी आलू आज बिक गया दोस्तों 36 से 37 रुपए किलो, 50 रुपए की तेजी आज मंडी में, हल्की क्वालिटी का 33 से 34 रुपए, लगभग 13-14 गाड़ी की आमदनी है। तिरछी मंडी में वीआईपी आलू आज बिक गया दोस्तों 33 से 34, 35 रुपए किलो तक, हल्की क्वालिटी के बिक रहे हैं 32 से 33। चेन्नई मंडी में एक्स्ट्रा सुपर आलू आज 29 से 30 रुपए बिक रहे हैं, हल्की क्वालिटी के 27 से 28 और हल्के 24-25, लगभग 20 गाड़ी की आमदनी है। मंडियों में भरपूर आलू पहुंच रहा है, रेट दोस्तों बढ़िया मिल रहे हैं किसानों को अनुकूल, ठीक है। और एक बात, जब मैं तो दोस्तों डेली किसानों से मिलता रहता हूं, मैं अपनी बात करूं या किसी भी किसान की बात करूं, लालच एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती है। जिन किसानों को विशेष जरूरत है पैसे की, जिन किसानों को मोटा कर्जा देना है और आज के आलू बिक्री करके उनका भरपाई भी हो रही है, उनको मार्जिन पैसा भी मिल पा रहा है, तो ऐसे लोग आलू की बिक्री जरूर करें। ऐसे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसी गुंजाइश कोई ना छोड़े कि बाद में तुम्हें शर्मा जी को फोन करके पूछना पड़े कि शर्मा जी अब आगे होने क्या वाला है, हम तो आलू ही नहीं बेच पाए, ठीक है। तो आलू में दोस्तों उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ये सब्जी है, आज तेजी है, सबको बढ़िया लग रही है और तेजी अच्छी भी लगती है और मुझे भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है। तो ऐसी तेजी को कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत आलू की बिक्री करना चाहिए, हर मौके का फायदा नहीं लेना चाहिए। ये उन किसानों के लिए है जो आलू की दोस्तों दाने की बिक्री नहीं करते हैं और जो लोग सोचते हैं कि आलू दिसंबर में ही बेचेंगे कि नवंबर में बेचेंगे। कुछ आढ़तियों को मैं एक अपने चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपने जानकारियां सुधारें। कुछ लोग ये कहते हैं कि किसान 31 अक्टूबर तक आलू की बिक्री करके खत्म कर देंगे। आप समझे कि हमारे यहाँ जनवरी तक भी कोल्ड स्टोर अब चलने लगे हैं और नवंबर दिसंबर तक खूब भरपूर कोल्ड स्टोर चलते रहते हैं। सिरसागंज में, खंदौली में भी बहुत कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जो दिसंबर लास्ट तक चलते हैं, जनवरी तक चलते हैं। तो ये सब चीजें उनकी जानकारी से बाहर है और इन सब चीजों के बारे में उनको जानकारी रखनी चाहिए, तभी किसी चीज के बारे में बात करनी चाहिए। सबको अपनी अपनी जानकारी में सुधार करना चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो, किसान किसी भी तरीके से गुमराह नहीं हो पाए। डर पैदा करके कभी भी आलू की बिक्री कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सब सारी चीजों से लोगों को वाकिफ कराना चाहिए और सत्यता को दिखाना चाहिए, ये एक मेरा उद्देश्य रहता है। बाकी आलू की बिक्री दोस्तों स्लोली स्लोली करते रहिए जिससे 1500 के भी भाव मिले, 1800 के भी मिले और 2000 के भी मिलते चले, ठीक है, हर तरह के भाव मिले और जिससे किसी भी किसान को नुकसान की गुंजाइश ना के बराबर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना।